नमस्कार, आपका स्वागत है लेट्स एडू में। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि राज्य के विधानमंडल में कौन कौन लोग आते हैं? तो राज्य के विधानमंडल की मैं बात करूं, राज्य के विधानमंडल में आपके राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, और इसके अलावा आप देखिएगा कैबिनेट मंत्री होंगे जो राज्य के, वो आएंगे, और जो राज्य का जो एडवोकेट जनरल होता है वो भी इसके अंतर्गत आता। तो बताइए, बेसिकली राज्य की जो विधानमंडल है वो चार लोगों से मिलकर बनी होती है। इसके साथ क्या आप जानते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या अंतर होता है? तो विधान परिषद है, तो ध्यान रखिएगा हर एक राज्य में विधान परिषद है, प्लस दो राज्य, दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी में भी अपने पास विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन जो विधान परिषद है, विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है। विधान परिषद केवल और केवल आप देखेंगे तो अपने पास विधान परिषद छह राज्य के अंतर्गत है। पहले सात थी, उसमें जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर अभी फिलहाल नहीं है वहां पर, वो यूटी के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। बाकी जो अपने पास है उसमें तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। तो छह राज्य के अंदर इस समय विधान परिषद स्थित है। बाकी विधानसभाएं अपने सारे राज्य प्लस दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी। अब मूल रूप से हम देखते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है विधानसभा में और विधान परिषद में। बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है, बच्चों को लोकसभा राज्यसभा का तो अंतर पता रहता है, लेकिन इसमें अक्सर वो समस्या रहती है उनको। तो मैं आज इसको थोड़ा कोशिश किया है कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। इसमें सबसे पहले देखिएगा, विधानसभा लिखा है एक तरफ को और एक तरफ आप देखेंगे ये विधान परिषद की बात की जा रही है। सबसे पहले विधानसभा बिल्कुल लोकसभा की तरह, ये निम्न सदन है, लोअर हाउस है, ये अपना टेम्परेरी हाउस है, ये डिसॉल्व हो जाता है, या तो पांच साल पूरे हो जाए या सरकार गिर जाए, कोलिशन गवर्नमेंट है वो गिर जाए, तो टेम्परेरी है इसका डिसॉल्व होता है। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद है, ये उच्च सदन है यानी अपर हाउस है, और ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है ना। लेकिन हाँ, संसद स्पेशल मेजोरिटी से इसको खत्म कर सकती है। और कौन सा आर्टिकल है, विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल को किस आर्टिकल के द्वारा गठन किया जाता है और किस आर्टिकल के द्वारा खत्म किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो विधानसभा का ऐसे जनरली कार्यकाल पांच साल का होता है सामान्यतः, लेकिन वो पांच साल से पहले भी खत्म हो सकती है अगर सरकार की मेजोरिटी चली जाती है। वहीं विधान परिषद का कार्यकाल छह साल का होता है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि संसद इसके बारे में कानून बनाए, तो संसद ने कानून बना दिया है छह साल। अब आती है मेन बात मेंबर की, कि मेंबर कितने होने चाहिए विधानसभा के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 500 हो सकती है किसी भी विधानसभा में, और सबसे ज्यादा इस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है, और वो कितनी है आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम जो होगी, मिनिमम 60 होगी विधानसभा के मेंबरों की संख्या, लेकिन इस 60 के कुछ अपवाद है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, यहां पर केवल 30-30 मेंबर है, मिजोरम में 40 मेंबर है, नागालैंड में 46 मेंबर है, ठीक है, और कुछ सदस्यों को इनमें गवर्नर के द्वारा इनडायरेक्ट रूप में भी अपॉइंट किया जाता है इन विधानसभाओं के लिए। कहां कहां की, ये अपना मिजोरम, नागालैंड है ना, इन जगह के लिए गवर्नर के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कोलिजियम थोड़ा बड़ा है, पहले यहां देखते हैं इसको कि मेंबर कितने हैं। तो मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं विधानसभा के 1/3, विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो गए। अगर विधानसभा में 300 सदस्य है किसी असेंबली में, और वहां पर विधान परिषद भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो मैक्सिमम मेंबर 100 हो सकते हैं उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो 1/3 से ज्यादा नहीं असेंबली का। मिनिमम की जो क्राइटेरिया है वो 60 का है, 40 का है, कि मिनिमम मेंबर जो होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 40 होंगे। अब विधानसभा का जो इलेक्शन है वो होता है डायरेक्ट, हम और आप वोट डालते हैं, ठीक है, 21 साल का, 18 साल का जो भी है वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। लेकिन विधान परिषद में वोट डालने का प्रक्रिया अलग है। इसका एक तो चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, हम और आप वोट नहीं डालते, कौन वोट डालता है तो ये देखते हैं। इसमें 1/3 सदस्य आते हैं लोकल बोर्ड से, यानी नगर निगम हो सकता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, ठीक है, म्यूनिसिपल या अपना पंचायत हो सकता है, तो 1/3 सदस्य वहां से, 1/12 सदस्य उसी राज्य में रह रहे ग्रेजुएट है, स्नातक है, 1/3 मेंबर होंगे, हाँ 1/12 सदस्य होंगे उसी राज्य में 3 साल से रह रहे अध्यापन से जुड़े हुए कार्य, ये
प्राथमिक या बेसिक शिक्षा से ऊपर के होने चाहिए। इसके अलावा 1/3 सदस्य को विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, और रहे खुद जो शेष बचेंगे वो अपना गवर्नर के द्वारा 4 नहीं 5 क्षेत्रों में से नॉमिनेट किए जाएंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 क्षेत्र से करता है, लेकिन विधान परिषद के लिए राज्यपाल 5 क्षेत्रों से नॉमिनेट करेगा सदस्यों को। कौन कौन सा? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और अपना सहकारिता आंदोलन, है ना, आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, साइंस एंड अपना कॉरपोरेटिव मूवमेंट से। तो 5 क्षेत्रों से गवर्नर को अधिकार रहता है। अब देखिए विधानसभा में अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं विधान परिषद का काउंसिल का बात करूं तो यहां पर 1/5 मेंबर आएंगे इलेक्ट होके और 1/6 मेंबर आएंगे नॉमिनेट होके जो गवर्नर के द्वारा किए जाएंगे। इसके अलावा विधानसभा के जो सदस्य है उनकी जो उम्र है 25 साल का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। विधान परिषद में उम्र कितनी चाहिए? उम्र 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होगा विधानसभा के लोगों का वो 5 साल है जनरली, लेकिन विधान परिषद में 6 वर्ष का है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, 1/3 मेंबर, जैसा कि हम राज्यसभा में देख चुके हैं। इसके अलावा इनको ओथ कौन दिलवाएगा? विधानसभा के मेंबरों को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो ओथ गवर्नर दिलवाता है, और इधर विधान परिषद के मेंबरों को भी ओथ गवर्नर दिलवाएगा। अगर इनका रेजिग्नेशन की बात आती है लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए की, तो अपना स्पीकर को ये अपना रेजिग्नेशन देंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्पीकर की बात आती है तो वो चेयरमैन को अपना स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके भी अपना वीडियो को लिखेंगे, पॉज करके देखिए उसके बाद इसको लिखना शुरू करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।